अस्सलाम वालेकुम माय आर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूं कि आप सब ठीक होंगे। मैं ठीक हूं, तो मैं एक नई वीडियो के साथ वेलकम बैक टू अनदर वीडियो व्यूअर्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ ये शेयर करने वाली हूं व्यूअर्स, जैसे कि प्रिपरेशन की वीडियो शेयर कर चुकी हूं, उसमें रीज़न भी बताया था और किसकी शादी है, किसके लिए सारी तैयारियाँ शेयरियाँ हैं, वो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो दोबारा देखें। और अभी मैं आपके साथ मेहंदी की वीडियो शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैंने डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट कर दिया, जो कि अपना एक नया लुक था, जो कि काफ़ी डरावना लग रहा था। तो मैंने मेकअप से पहले जो एक मास्क है वो अप्लाई किया हुआ था और साथ ही मैं वीडियो कंटिन्यू की। इसके बाद हमने कुछ जो ड्रेस वगैरह वेयर करने थे वो हमने प्रेस किए, बिल्कुल प्रेस थे, लेकिन थोड़ा सा सीधा करना था, थोड़ा सा मतलब कि अच्छा लगे लुक। और इसके बाद अभी वीयर्स हम मेकअप कर रहे हैं, सबको मेकअप करने के बाद वीयर्स मैं कुछ थक हार के इस तरह से मेकअप करने खुद लगी, और पता नहीं मेरा मेकअप अच्छा होगा या नहीं, मुझे खुद नहीं अंदाज़ा। लेकिन जिस तरह से मैं बैठी हुई और जिस तरह मैं शुरू हो गई, इंशाल्लाह अच्छा होएगा। तो यहाँ पे जी वीयर्स जो वेन्यू है वो पहुँच चुके हैं, लेकिन ये बारिश की वजह से ऐसा हुआ है कि घर में ही मेहंदी करनी पड़ी है, वरना उन्होंने सोचा होता कि साइड पर उन्होंने पूरी एक परफेक्ट प्लानिंग वगैरह की हुई थी, प्रिपरेशन भी थी वहाँ पर, लेकिन बारिश की वजह से फिर यहीं पर अचानक का प्लान हुआ और हम यहीं पर भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा करने वाले। और ये मेरा लुक है जो कि मैंने मेहंदी के लिहाज से कुछ इस तरह से क्रिएट किया है, और जो कलर है वो भी मैंने चेंज कर लिया, क्योंकि जो पर्पल वाला था वो साइना ने वेयर किया और मैंने और सपना ने आज ट्विनिंग की है। तो लास्ट टाइम मैंने और सना ने की थी, मैं अपने बोल रही हूँ, तो इस वजह से आज मैंने ये वाला वेयर किया। तो इस तरह से वीयर्स लुक था जो कि मैंने खुद मेकअप वगैरह किया और बाकी सबको भी किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसी था। और ये जी माशाल्लाह से ब्राइड हैं, जो मेरी कज़न है, मेरी प्यारी क्यूट सबसे प्यारी कज़न, और बहुत अच्छा हमारा रिलेशन है रहा भी है। और अभी यहाँ पे मैं उनकी जो मेहंदी की जितने भी मोमेंट्स है वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जो ये प्रिपरेशन थी, ये डेकोरेशन थी, जो कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा की मेहनत से, और उनकी जो छोटी सिस्टर है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की अपनी बहन के लिए, ताकि कुछ भी कमी ना हो। और ऐसा होता है जब बहन भाई या सिबलिंग्स होते हैं, वो एक दूसरे के लिए परफेक्ट से परफेक्ट करना चाह रहे होते हैं, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। इवन के सायरा भी गई हुई थी, उसने भी हेल्प की अपनी कज़न की, ताकि कज़न बिल्कुल अकेली ना हो, क्योंकि ऐसा है कि वो दो बहनें हैं और एक की शादी, वो शादी की वजह से बिजी, और एक का साथ हेल्प की सैरन, तो मैं जी मेकअप में फंसी रही। तो इस तरह से हुआ, हमने उस दिन कोई मतलब बाहर नहीं गए, मेकअप वगैरह नहीं करवाया, हमने कहा कि खुद ही करना है सारा कुछ, क्योंकि जितना बाहर से करना है उतना हम खुद कर सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह से स्किल्स हों तो फिर कुछ ना कुछ किया जा सकता है। और मैंने किया, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब इवन के जो बेस वगैरह वो सबको ही काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, मेकअप भी अच्छा लगा, और हमारे हेयर स्टाइल बहुत अच्छे थे, सेम थे सबके, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। वीस इंशाल्लाह आप जैसे देख रहे हैं, और हम मेहंदी लेके जा रहे हैं, पहले हम एक दफ़ा गए थे ब्राइड को मिलके, आप कुछ मोमेंट्स, कुछ टिकटॉक वगैरह, कुछ इस तरह से सीन वगैरह बनाए, फिर खाना वगैरह खा के इंजॉय करके आए। भाभी के, भाभी में मरी गई, वो भी ज़्यादा खुश थी, इंजॉय कर रही थी। और उस बाद वीर हम मेहंदी लेके गए, और मेहंदी का कुछ इस तरह से सीन था, इतने प्यारे थाल, और मुझे बड़ा थाल मिला था, क्योंकि जी मैं ब्राइड की बेस्टी थी, बेस्टी भी, कज़न भी बड़ी सबसे, इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोटोकॉल मिला, और उन्होंने कहा कि इनको ये वाला देना है, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ पे वीर जैसी हमारी एंट्रेंस हो रही थी और हम मेहंदी लेकर जा रहे थे, उसी दौरान इतने अनार कैंडल और इस तरह से ये वाला सिलसिला था, वो बहुत ज़्यादा औसम था। और आतिश ये देख के एकदम तो डर सा लग रहा था, लेकिन जो इतना सीन अच्छा क्रिएट हुआ वो अलग ही था। वीर लाइटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छी हुई थी, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मज़ा आया। जो मैंने अपनी भाई के ही कुछ जिम्मेदारी की वजह से, कुछ काम की वजह से नहीं कर पाई, तो उस दौरान फिर मैंने यहाँ पे इंजॉय किया था कि ये भी अच्छी गुजरे, लेकिन थोड़ा सा बिजी होने की वजह से ये भी हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आया। फोटोग्राफर हर एक सीन कैप्चर कर रहा था, इवन के सब बहुत ज़्यादा खुश थे, उनकी पुप्पो वगैरह वो भी काफ़ी ज़्यादा भंगड़ा और इस तरह से हो रहा था, मामा भी बहुत ज़्यादा, मामा की तबीयत ये हुई थी वीयर्स, ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा और हाई होने की वजह से उनकी थोड़ी सी तबीयत हो गई थी, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि मेरी बहन की बेटी की शादी है तो मुझे थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा, एक्टिव होकर फिर उन्होंने अच्छे से मेहंदी लगाई। और ये वीयर्स पूरा जो सेटअप है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, मूवी बनी वीयर्स, जैसे कि वीडियो वगैरह हर सीन की वीडियो भी बनी, फोटोग्राफर वगैरह, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, हर चीज़ हर चीज़। और मामा बहुत ज़्यादा खुश हुई, उन्होंने मेहंदी लगाई मेरे साथ ही। तो इस तरह से वीयर्स ये था। और अफान ने जो ड्रेस वेयर किया वो आप भी आपने देखा था, माशाल्लाह से इतना प्यारा मस्टर्ड कलर में इसने ड्रेस वेयर किया हुआ था, और साथ इसका जो मेहरून कलर का एक मफलर टाइप था वो भी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था, वो मैं आपको दिखाऊंगी, और बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। अब मैं कुछ पिक्स एंड पर शेयर कर दूंगी, आप देखिएगा। और यहाँ पे हमारी पूरी फैमिली जो कि यहाँ पे मेहंदी के इंतजार में, कि अच्छा उसकी बारी आएगी, उसके टर्न आएगी, इस तरह से, और फैमिली कपल वगैरह के लिहाज से सब कुछ किया जा रहा था। ये मामा हैं और मामा लगा रही हैं, और बहुत ज़्यादा प्यार। मामा ने जब मुझे मेहंदी लगाई थी वीयर्स, मुझे वो वाला सीन याद आ गया कि मामा ने किस तरह से मेरा माथा चूमा और पापा को मिस कर रही थी, पापा फॉरन होते थे, तो उस दौरान फिर उन्होंने कहा कि अगर दोनों होते तो हम बैठ के अपनी बेटी को अच्छे से रुखसत कर रहे होते, मतलब
बहुत प्यार से, क्योंकि उस टाइम एक होता है बाप भी साथ हो और मर्द आपका हस्बैंड भी साथ हो तो एक अलग सहारा होता है। तो इस तरह भी मामा ने भी जब मेरी कज़न का माथा उस तरह से चूमा तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि मैंने कहा देख लो। और बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है बेटियों को अलविदा बोलना और उनके लिए ये, तो आई एम श्योर कि आपको भी ऐसे ही फील होता होगा। और मैंने जब अपनी कज़न को लगाई तो मैं तो काफ़ी हिम्मत में, मैं ऐसे ही होती हूँ मेहंदी तक प्रिपरेशन तक काफ़ी ज़्यादा ऐसे ही जैसे मैं बहुत एक्टिव हूँ ठीक हूँ, तो लेकिन जब मैं रुखसत करने वाली हूँ वो फीलिंग आप आगे देखिएगा। और अभी जी वियर्स जो उनके उनकी इतनी ज़्यादा चीज़ें थी और वो सबको उन्होंने बांटी, क्योंकि ये रस्म होती है अरफान का ये लुक है माशाल्लाह से और मामा का, हम सब ने मस्टर कलर में मेहंदी के लिहाज से कुछ पहना हुआ और बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है। अरफान इतना ज़्यादा खुश था, इतना रोया नज़र भी लगी थी इसे वियर्स, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ये एक्टिव और सब बहुत ज़्यादा माइल हो रहे थे। सब कह रहे थे मैंने पिक लेनी है अरफान के साथ, मैंने करना है ये करना है। और अभी छोटा है इंशाल्लाह जब चलेगा तो फिर और ज़्यादा मैं इसके लिए ट्विनिंग वगैरह अपने साथ करूँगी और बहुत ज़्यादा अच्छे वाला करूँगी। लेकिन अभी के लिए आप भी माशाल्लाह बोल दीजिएगा, बहुत ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। वीडियोज़ प्रिपरेशन वाली वीडियो भी देखिए, आप वीडियोज़ देखना शुरू कर दें, क्योंकि ये जो वीडियोज़ हैं मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ नहीं शेयर करनी, तो फिर किसके साथ शेयर करनी है वीडियोज़। आप बाकी सारी प्रिपरेशन आपने देखी, सेटअप देखा और जितनी भी चीज़ें हैं वो मैंने सारी की सारी आपके साथ शेयर कर दी। तो वीयर्स अभी ये घर कंप्लीट हो रहा था कि उन्होंने कहा कि क्यों ना शादी वगैरह का कर लें, तो फिर क्योंकि अभी साथ साथ काम होता है और काम ऐसा कि घर जब आप बनाए तो सोच समझ के आपने बनाना होता है, यहाँ से ऐसा किया जाए यहाँ से ऐसा किया जाए, तो इस वजह से। तो फाइनली मेहंदी वगैरह इन्जॉय करने के बाद वीयर्स मैं जा रही हूँ वापस और मामा साथ, क्योंकि वहाँ पर जाकर सोना और वहाँ पर जाकर रेस्ट करना और फिर नेक्स्ट डे की भी तैयारी करनी है ज़रूरी है। और रास्ते में फिर आते हुए वीयर्स हमने कुछ मीठा हो जाए, मीठा तो हम वहाँ पर भी, लेकिन मिठाई का नहीं जो इसका मज़ा है। और ये सुबह का टाइम है जो कि नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे ये देखिए बाल कर्ल हो चुके हैं और जल्दी जल्दी से दिल कर रहा है कि ये कर लें वो कर लें। मामा कह रही तुम लोग आज लेट ना हो जाना, आज फिर घर में ही मेकअप करना है, यही होता है अभी हम खुद ही करते हैं मिलके। और बस इस वजह से ज़रूरी था, फ़ान की तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई थी और मेरे बाल इस तरह से लग रहे थे और सब कह रहे थे माशाल्लाह। और ये तो वियर्स यहाँ पे हम जो बारात के लिए तैयार होने लगे हैं, और उससे पहले वियर्स जो आपने स्टार्टिंग में देखा कि हम एकदम गुजरात से हाफ सबाद किस तरह आए, कि वो शॉर्ट वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आप उसको भी देखना और प्रिपरेशन वाली वीडियो को भी दोबारा देखना, उसमें आपको पता चल जाएगा किस तरह से हमने मज़ा किया, फ़न किया। जो प्रिपरेशन की बाकी रिमेनिंग वीडियो है वो भी आपको पता चल जाएगी और जो मेहंदी की तैयारी थी उसमें भी। और इस तरह से उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। मिलूंगी बारात की वीडियो के साथ, अभी के लिए मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। और लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली, हमेशा इसी तरह सपोर्ट करें बहुत ज़्यादा, और जो वीडियोस नहीं देखी उनको देखें, अगर बोलते हैं लिंक भी वो भी दे देती हूँ। अल्लाह हाफिज़।